अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथमेटिकल मेथड्स के चैप्टर 3 का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिस्कस किया था कि एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज। सो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हमने मैट्रिसेस के ऊपर स्टडी किए थे और फिर हमने इन तमाम ऑपरेशंस के ऊपर कुछ थ्योरम्स को प्रूव किया था। आज के लेक्चर में हम मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम आज एक्सरसाइज 3.1 के आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। So a matrix in which the number of rows and columns are not equal is called a rectangular matrix. So the first is a rectangular matrix. So a matrix with different number of rows and columns. So a rectangular matrix is a matrix in which the number of rows and the number of columns are not equal. So if in a matrix the number of rows and number of columns are equal, then that matrix is called a square matrix. So a square matrix. So a matrix with equal number of rows and columns. Next, we talk about a diagonal matrix. So, a diagonal matrix. तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं। सो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स except the main diagonal are zero. तो diagonal matrix की example इस तरह होगी। तो जी हमारे पास एक 3x3 एक matrix ले लेते हैं सपोज ये मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे 3, 2 एंड 5, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इनके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं स्केलर मैट्रिक्स को। स्केलर मैट्रिक्स तो स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है कि जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। सो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स
with the same diagonal entries. For example, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है और डायगनल के तमाम एलिमेंट सेम हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगनल मैट्रिक्स है, या ये हम कह सकते हैं ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, और इसमें जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे वन होते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ डायगनल मैट्रिक्स। वेयर ऑल द डायगनल entries are 1. So for example, the matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक 3x3 identity matrix। इस matrix को हम usually matrix I कहते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो हों, और इसी तरह लोअर डायगोनल एलिमेंट्स में, इस तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगनल से ऊपर तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स इन विच all the elements below the main diagonal are zero। For example, अगेन एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि डायगोनल से नीचे तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल से ऊपर तमाम एलिमेंट्स जीरो हों। फॉर एग्जांपल, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में डायगनल से ऊपर तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए
सो अ मैट्रिक्स ए वेयर ए टू द पावर पी प्लस वन इज इक्वल टू ए वेयर द लीस्ट नंबर P is called a period of A, then matrix A is called a periodic matrix. So here P is natural number or positive integers. Next is idempotent matrix. Idempotent matrix. अगर periodic matrix में p की value 1 हो जाए यानी a square is equal to a, then हम a को कहते हैं कि ये idempotent matrix है. So a square matrix A such that A square is equal to A, then A is called an idempotent matrix. Next is nilpotent matrix. So a square matrix is A is called a nilpotent matrix if A to the power P is equal to a zero matrix, so where P is any positive integer or natural number. तो अगर हम यानी A की power P लें और P कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो और हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तब हम कहते हैं कि A जो है वो एक nilpotent matrix है. Next is a symmetric matrix. A such that ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए. तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज लेने से वापस वही मैट्रिक्स आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अगेन सपोज कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ट्रांसपोज लें और अब वो नेगेटिव ऑफ ए आए, ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स आए बट विद नेगेटिव साइन, और यानी वही मैट्रिक्स आता है लेकिन उसका साइन रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अब हम बात कर लेते हैं कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं. तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो अगर हम उन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनके कंजुगेट्स से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का कंजुगेट कहलाता है. तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो होगा वो उस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज को उनके कंजुगेट्स से रिप्लेस करने से आएगा, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. सो द मैट्रिक्स ऑफ
obtained by replacing the entries of a complex matrix by their complex conjugates. Is called conjugate of that matrix. तो सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, यानी उसके तमाम एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो उसके कंजुगेट को हम इस तरह लिखते हैं, कंजुगेट ऑफ ए इज रिटन एज ए, सो ए बार। यानी अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो उसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, 1+i, 3-i, i, 5+i, तो ए का जो कंजुगेट होगा, ए बार जो होगा, वो इन तमाम के कंजुगेट्स लेने से आएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स लेने से आएगा। 1+i का कंजुगेट होगा 1-i, 3-i का कंजुगेट 3+i, -i, 5-i, तो ये होगा कंजुगेट। तो अब हम बात कर लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। सो दिस इज अ स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ वी टेक the conjugate of that matrix and then we take transpose, then this is equal to the matrix A. any hermitian matrix jo hoga wo ek square matrix hoga aur uske tamam entries complex entries hongi, complex numbers honge, aur agar hum uska conjugate le aur uska fir transpose le to hamare paas wapas same matrix aayega. to aise matrix ko hum kehte hain हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिर है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अगेन अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो और उसका कंजुगेट लेने से और फिर ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आए, वापस वही मैट्रिक्स आए बट विद नेगेटिव साइन, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.1 के आर्टिकल का सेक्शन कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।